नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा आपको डिसेबिलिटी के बारे में नई नई अपडेट देते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि ये डिसेबिलिटी में जो पेंशन्स आती हैं उनके बारे में जान रहे हैं। आज हमारा नया टॉपिक है जो विडोज हैं, विधवा हैं, उनके लिए जो पेंशन योजना है वो बता रहे हैं, जिसमें 2,250 रुपये आया करेंगे हर महीने आपके अकाउंट में। मोदी सरकार की ओर से कई योजना चलाई गई जिसमें खास सुविधा है दी गई कुछ खास वर्ग के लोगों को। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि विधवा लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनके पेंशन के सरकार की स्कीम के राज्य के अधीन आती है, इसकी राशि अलग अलग है। विधवा पेंशन स्कीम में हर महीने मिलेगा पैसा आपको। इससे आप क्या मिलना है देखिए बता देते हैं कि जिसमें महिलाओं की मदद करते हैं और इसमें आपको हर तरह के ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्री फाइल नहीं करना है, सिर्फ आपका जो है पेंशन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फिल करना है। और इससे तहत जो आपको जो आपका नियर सुविधा सेंटर है आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, वहाँ से आपकी जो पेंशन लागू होगी। इसके लिए आपको क्या फ़ायदा मिलेगा देखिए, जो कि इस स्कीम में फ़ायदा सिर्फ वही महिलाएं ले सकती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं और आवेदन महिला असहकार की किसी भी अन्य पेंशन योजना का फ़ायदा नहीं ले रही, उन सबको ये फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। और इसमें उम्र है आपकी 18 से 60 साल, देखिए इसमें 18 से 60 साल तक की उम्र वालों को मिलेगा। हरियाणा में जो विधवा पेंशन योजना है, हरियाणा में 2,250 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। इसकी सुविधा फ़ायदा सिर्फ वही महिलाएं ले सकती हैं जिसमें सालाना इनकम 2 लाख से नीचे की है। उत्तर प्रदेश में सरकार की महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह मिलता है। इस स्कीम में पेंशन की राशि सीधे खाताधारों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। देखिए पेंशन कोई भी मोड हो आपके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा सीधा। तो इसके साथ ही अलग अलग राज्यों का बता देते हैं आपको। इसके अलावा जो विधवा पेंशन योजना में 900 रुपये है महाराष्ट्र में, और राजस्थान में 750 रुपये है, 750। दिल्ली में योजना के प्रति माह में 2,500 रुपये मिलते हैं, यानी कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलता है पेंशन योजना। और गुजरात विधवा पेंशन योजना में 1,250 रुपये प्रति माह, उत्तराखंड में 1,200 रुपये के तहत मिलता है। तो इस तरह से अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें लेके कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।